कराची के गर्म मौसम ने ईद के तीसरे दिन का मजा किरकिरा कर दिया। पार्क्स और तफरी गाहों में रश कम है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खसूसी इरफानुल हक से। इरफान बताइए। ईद का तीसरा रोज़ है मगर कुछ जो मौसम है उसने कराची वालों की जो ईद है या छुट्टी का जो मज़ा है उसको थोड़ा सा किरकिरा किया है। आज खासी गर्मी महसूस हो रही है कराची में। इस वक्त कराची में कोई 32 डिग्री सेंटीग्रेड है दर्जा हरारत, जो बढ़कर 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। और यही वजह है कि जो तफरीही मकामात हैं समंदर के अलावा वहाँ पर कुछ रश कम है। हम जिस मकाम पर यहाँ मौजूद हैं फ्रेयर हॉल में, अमूमन अगर मौसम बेहतर हो तो छुट्टी के दिनों में यहाँ काफ़ी रश होता है, गहमा गहमी होती है। मगर हम देख रहे हैं कि बहुत कम लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। कराची वालों को गर्म और खुश्क मौसम का सामना करना पड़ेगा अगले दो रोज़। मजीद जो तफरीही मकामात हैं समंदर के अलावा वहाँ पर कुछ रश कम है। हम जिस मकाम पर यहाँ मौजूद हैं फ्रेयर हॉल में, अमूमन अगर मौसम बेहतर हो तो छुट्टी के दिनों में यहाँ काफ़ी रश होता है, गहमा गहमी होती है। मगर हम देख रहे हैं कि बहुत कम लोग यहां पर इस वक्त मौजूद हैं। कराची वालों को गर्म और खुश्क मौसम का सामना करना पड़ेगा अगले दो रोज मजीद। जी।